इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मैथ्यू है अचानक से जो है जिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम जो है मेरे मॉडल बन जाओ प्लीज़। तभी जो है ये सुनते ही जो जिन है वो मन पे सोचता है कि वो क्या बात है, मैंने तो अभी कुछ किया ही भी नहीं और वाह क्या सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन का मेरा तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तभी जो है ये सुन के जो है जिन कहता है कि अगर मैं पर तुम्हें मना कर दूँ कि नहीं मुझे तुम्हारे मॉडल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये सुनते ही जो है मैथ्यू कहता है कि प्लीज़ ये जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे मॉडल बनो और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तुम जितना पैसे बोलोगे मैं उतना देने को रेडी हूँ। तो ये सुन के जो है जिनका फेस भी कोई अजीब सा ही बनता है, मैं गुस्से वाला, और कहता है कि एक मैथ्यू तुम जरा मुझे देखो, तुम्हें मुझे देख के लगता है क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स बंदा कार में बैठ के आता है उसको पैसे की क्या ज़रूरत। तभी जो ये सुन के जो है मैथ्यू जो है वो कहता है कि ठीक है तब फिर जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना तुम्हें दूंगा। तो ये सुनते ही जो है जिन स्माइल करता है और कहता है वो तुमने इतनी बड़ी बात नहीं आसानी से कह दी, तुम जो बोल रहे हो उसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लो तुम। फिर थोड़ी देर समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम एरिया देखते हैं जो कि बहुत पुराना सा लग रहा होता है। तभी जो है जो जिन है वो मैथ्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारा स्टूडियो यहाँ पे है, मैथ्यू जो है वो कहता है हाँ बस यहीं पर ही है। तभी जो है जो जिन है उस एरिया को पूरी अच्छे से देखता है और कहता है कि सच्ची में तुम यहीं रहते हो तो तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैथ्यू जो है वो बताता है कि देखो स्कूल की बात मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ जाने के बाद मैंने इसी एरिया में एक छोटी सी जगह ले रखी है मैं वहीं पर जाता। तो भी जो है जिन पूरी जगह को देखता और सोचता है कि मुझे लगता था ये अमेरिकन स्टूडेंट है लेकिन ये इतनी पुअर स्थिति में रहते हैं ना, गरीब सा है। हाँ तभी जो है तो भी जो है जो जिन है वो मैथ्यू से पूछता है कि अच्छा तुम्हारी फैमिली का है? तो मैथ्यू कहते हैं कि नहीं मेरे पास कोई भी नहीं है, मतलब उसकी फैमिली नहीं है। हाँ तभी जो है जिन पूरे उस एरिया को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि ये एरिया कितना ज़्यादा पुराना और ओल्ड है। इस जगह को देख के जो है जिन को अपनी चीज़ें याद आती है और मन में सोचता है कि नहीं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है और यहाँ की ऐसी सिचुएशन भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी जो है जिन अपनी पुरानी चीज़ देखते हैं कि जब वो भी गरीब हुआ करता था वो भी ऐसी घरों में रहता था टूटी फूटी बिल्डिंगों में जहाँ पे उसके वो ही गार्ड्स रहते थे, वो कहते थे बॉस ये देखो बारिश का पानी लीक हो रहा है अंदर आ रहा है, तो जिन कहता था ये लो इससे कवर अप करो। हाँ कोई कहता ये देखो इतना पानी हो रहा है तो जिन कहता था उसे फेंको और वो लोग पानी उठा उठा के फेंकते थे घर से। तभी वो एक जगह बाहर बैठे होते थे तभी उसमें से एक गार्ड जो है वो कहता है कि बॉस हमें कितना पैसा लगेगा मतलब एक अच्छे लेवल पे बड़े लेवल पे जाने के लिए। हाँ तो जिन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि बॉस क्या हम हमारी जो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो भी हम यहीं रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो जिन है वो उस जगह पे आ गया होते जहाँ पे मैथ्यू का स्टूडियो है। तभी वो पूछते हैं कि अभी और कितना चलना पड़ेगा तुम्हारे स्टूडियो के लिए, तो मैथ्यू कहते हैं कि बस थोड़ा सा और उसके बाद जो है हम पहुँच ही जाएंगे। तभी जो है जिन जो है वो मैथ्यू से कहता है कि अच्छा तुम जो है चाहती हो कि मैं तुम्हारा मॉडल बनूँ है ना, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं तुम्हारी स्किल्स बेकार हो तो मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और वैसे भी मैंने तुम्हारे तो स्किल्स के बारे में देखा भी नहीं कि तुम्हारा आर्ट जो है कैसा है कैसा नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैथ्यू कहता है कि अच्छा मेरे पास जो है मेरे आर्ट की जो है बुक है जिसपे मेरी पिक्चर्स है जो भी मैंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, तुम उसे देख लेना और उस देखने के बाद तुम सोचना कि तुम्हें मेरा मॉडल बनना है कि नहीं। तो ये सुनते जिन कहता है वो क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस है हाँ। तभी जो है जो मैथ्यू वो कहता है कि देखो मैं तो कोई डायमंड होने की हीरा कि मेरे बहुत पैसे है या कुछ है, अगर अब तुम मुझे मना करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे किसी और को ही अपने मॉडल के लिए रखना पड़ेगा। पर मैंने सोच रखा है कि जो है मैं चाहता हूँ कि तुम ही जो है मेरे मॉडल बनो। तभी जो है मैथ्यू एक जगह आता है और गेट के बाहर रुकता है और कहते हैं कि ये लो आ गया मेरा स्टूडियो। जिन जो है को जो है मैथ्यू अंदर बुलाता है कि आज चलो अंदर चलो। तभी जो है जिन जो है मैथ्यू की स्टूडियो आता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा होता है। तभी जो है मैथ्यू जो है वो जिन को कहता है कि एक काम करो
तुम यहाँ बैठो, मेरा वेट करो, मैं फटाफट से जो अपनी फाइल लेकर आता हूँ। तो उस पर मैं जो जिन है वो कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद जो है वहाँ पे रखी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी जो है जिन अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे इसका जो है मॉडल वॉडल कुछ बनना है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर चाहता था कि जितना से ज़्यादा समय में स्पेंड कर सकूँ। तभी जो है मैथ्यू अपनी फाइल लेकर आता है और कहता है कि ये लो, इसमें तो मेरी सारी पिक्चर्स देख सकते हो जितने भी मैंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तभी जो है जो जिन है वो उसकी फाइल्स को देखता है और मैथ्यू से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये बनाना कब से स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें। तो ये जो है मैथ्यू कहता है कि मैं छोटा था तभी से बना रहा हूँ। तभी जो है जिन उसकी फाइल देख रहा होता है और पिक्चर्स, वो कहता है कि मुझे मन में सोचता है कि मुझे लगता नहीं था कि इसकी स्किल्स अच्छी है, पर सच्ची में ये बहुत ही अच्छी अच्छे से वर्क कर रहा है। पर इसकी जो भी मूर्ति इसने बनाई है सारी जो है नेक्ड वाली ही, न्यूड वाली ही बनाई है, इसकी जितने भी बनाया हुआ है, और शायद इसलिए ये मुझे भी ऐसे ही चाह रहा है। तभी जो है मैथ्यू जो है अपने फाइल पर हाथ रखता है और जिनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या पसंद नहीं आई जो भी मैंने वर्क किया है। तो उस पर तो जो जिन है पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में कहता है अच्छा मुझे पहले ये बताओ मैथ्यू कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना अपना मॉडल बनाने के लिए। हाँ तो तभी जो है ये सुनते ही जो है मैथ्यू जो है पहले तो सोचता, फिर कहता है कि देखो मैं जो है एक सपना देखा जिसमें सारी चीज़ों को मैंने देखा कि मेरा जो मॉडल किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, और रियलिटी में मुझे जो है वो तुम्हें दिखी, और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा जो सपना है, जो भी मैंने जिस हिसाब से जिस तरीके का पर्सन ढूंढना चाहा वो सच्ची में मुझे मिल गया और वो तुम हो। हाँ और सच्ची में इसलिए मुझे जो है, और साथ ही मुझे जो है कुछ इंटरेस्टिंग भी मिल गया, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, इसलिए जो है मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना जो है मॉडल बनाना चाहता हूँ। तो ये सुन के जो है जिन जो है वो खाली जो है मैथ्यू को ही देख रहा होता है। तभी जो है अचानक से जो मैथ्यू है वो जिन के क्लोज आ जाता है और उसके फेस और उसकी लिप्स को टच करता है अपने हाथों से, और ये देख के जिन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें अचानक से होती है। हाँ तभी जो है जो जिन है वो कहता है कि अच्छा तो तभी तुम चाहते हो कि मैं जो है तुम्हारा मॉडल बनूँ। तो मैथ्यू कहता है कि हाँ मैं सच्ची में चाहता हूँ कि तुम ही मेरे मॉडल बनो। तभी जो है जो जिन है वो अपनी जैकेट ओके धीरे धीरे अपने जो है कपड़े निकालता और कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारा नेक्स्ट मॉडल बनने के लिए, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। हाँ और मेरी यह कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हारा मॉडल बन जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें जो भी कुछ भी करने के लिए बोलूंगा वो तुम करोगे, तुम मेरी सारी बात मानोगे। तो ये सुन रहा है मैथ्यू खाली जो है जिनको ही देख रहा होता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।